अदरक काट दूं? मैं काट देती हूँ, थैंक यू। हानिया वैसे तुम्हें एक बात बोलूं, मुझे महसूस होता है कि दानियाल और फातिमा साथ खुश नहीं है। ऐसे क्यों कह रही हो? खुश ना होते तो बात कैसे बनती? तुम्ही ने तो मजबूर किया था दानियाल को। पागल हो गई हो? किसी के मजबूर करने पे कोई शादी कर लेता है? शामी रखती हैं? हानिया मैं तुम्हें बता रही हूँ, वो साथ खुश नहीं लगते और मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी साथ खुश रह सकते हैं। ना कहो सौलम, फातिमा भी बहन है तुम्हारी। हानिया अगर फातिमा मेरी बहन है तो तुम भी मेरी बहन हो। इधर देखो, कसम खाओ, मेरी कसम खाओ कि तुमने फातिमा की मोहब्बत के लिए अपनी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दी। बस कर दो, जो होना था वो हो गया। मुझे नहीं लगता हमें इस बारे में बात भी करनी चाहिए। मैं टेबल सेट करने जा रही हूँ, तुम चाय लेकर आ जाओ। बहुत बुरा हुआ, सायरा कुछ भी कर सकती है। अपने गर्ज के लिए वो रिश्ते पामाल करना जानती है, सारी जिंदगी उसने यही तो किया है। और दानियाल वलीद का बेटा है, और मुझे लगता है सायरा को मेरे बारे में और फातिमा के बारे में भी पता चल चुका होगा। नहीं, वो ये नहीं जानती कि आप भी इस शहर में, और ना ही वो ये जानती है कि हानिया आपसे मिलती है। वलीद, सारा मेरे सामने कभी नहीं आएगी। वो जानती है जब भी वो मेरे सामने आई तो मैं उसका गला घोट दूंगा। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी ना। सारा ने वलीद भाई से इंतकाम के लिए अम्मी और हशमत को नीचा दिखाने के लिए जैद से शादी की, हालांकि वो जैद से भी मुखलिस नहीं थी। वो जानती थी कि अपने हुस्न की तलवार से वो किसी भी रिश्ते का खून कर सकती है। आप ठीक कह रही है, अम्मी ने अपनी इसी खुदगर्जी की वजह से सालेहा की जिंदगी भी बर्बाद की है। दौलत की चमक धमक देखकर उसकी शादी करवा दी शहजाद भाई से, इतनी मुश्किलों का उसको सामना करना पड़ा। वो भी क्या करती, बेखबर थी, घबरा गई थी वो। उसका एक लड़के की वजह से मंशियात का केस चल पड़ा था पुलिस में, उसने भी शादी कर ली। ताई अम्मी, निकाह करवा दे फातिमा और दानियाल का। हानिया, सायरा मेरे और फातिमा के बारे में जानती है? नहीं मामूजान, अगर अम्मी फातिमा के बारे में जान गई तो वो फातिमा पर भी अपना हक जताने के लिए पहुंच जाएंगी, फातिमा की जिंदगी बर्बाद कर देंगी। मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप लोग ताई अम्मी की बात मान लें। लेकिन बेटा, बाद में क्या होगा? आखिर सायरा ने जन्म दिया है फातिमा को। फातिमा पर अगर ये राज खुल भी गया तो वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगी, अपने घर की हो चुकी होगी। फातिमा कोई बच्ची नहीं है जो सायरा कानूनी तौर पे कोई जबरदस्ती करेगी। अगर फातिमा नहीं चाहेगी तो सायरा उससे नहीं मिल पाएगी, वो कुछ नहीं कर पाएगी। ठीक है अशरफ भाई, जैसे आपकी मर्जी।